बजाय हदायत के लोग परेशान हुए हैं। उसमें लिखा है अगर तेरा मुर्शिद है तो 7 दिन के अंदर अंदर तुझे वो सारे खजाने, अगर तू भूखा है तो सारे खजाने दिखाए ना। ऐसा मुर्शिद कौन है, ऐसे कैसे हो सकते? किताब तो मार्फत की थी, अब जो मार्फत में नहीं है वो लेके बैठ गया उसको। वो मुर्शिद जाकर ये चीज तलब करता है जो मार्फत वाले ने तलब करनी थी, वो तो गया ना। उस सकून गया, ठीक है, किसी की समझ में नहीं आते, ना आए हजार साल में आए, हजारों की समझ में आए। अगर हजार साल के बाद किसी एक की समझ में आ गई, वो हजारों को समझा देगा। वो मेरी मेहनत जो है ना, सुल्तान साहब ने मेरा लिखा कि ये जो मौलवी है ये अल्लाह के रस्ते में डॉक्टर है। मौलवी तभी बढ़िया से सीखते हैं, बात समझ में नहीं आती है तो हमको नमाजें पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। सुल्तान साहब कहते हैं ये डॉक्टर अल्लाह के रस्ते में है। हम यही समझते हैं अल्लाह रास्ता यही है। जब हम इस लैंड में आए ये अल्लाह की जरूरत में लगाए, जो सबसे ज्यादा मुखालत हमारी मौलवी है, हम जिसको अल्लाह का रास्ता समझते हैं वो अल्लाह का रास्ता, वो नहीं, वो जन्नत का रास्ता। ये जो हम नमाज है वाला सब ये जन्नत का रास्ता है ना, अल्लाह का रास्ता तो ये दिल जाना, ये हमको पता नहीं था। जब हम दिल में अल्लाह की तरफ लगे ना, दिल के रास्ते वाले लगे ना, तो हमारी मुखालत शुरू होगी ना। अब बेशक तुम तजर्बा करो, मस्जिद में जाओ, जन्नत का रास्ता करो, मौलवी बड़ा खुश होगा। अल्लाह का रास्ता अख्तियार करो कि मैं दिल से अल्लाह लगा रहा हूँ, जरबे लगाओ, देखो तुम्हारे पीछे कैसे लगते हैं अल्लाह का रास्ता। ठीक है, कुछ लोगों के नसीबे में वो रास्ता है, कुछ ऐसे हैं उनमें इनके नसीबे में ये रास्ता नहीं है, फिर वो क्या कहते हैं वही लोग, अगर हमारे नसीबे में होगा हमको मिल जाएगा, यही कहते हैं ना। भाई तेरे रिजक, तेरे नसीबे में रिजक था वो भी तो मिल जाता, तू याद पाया इन नसीबे, ये भी मानता है कि नसीबे में रिजक होता है तो फिर वही मिल जाता ना, यहाँ क्यों आया, यहाँ से क्यों मिला। मखदूम जानिया से किसी ने पूछा, जब जिसे मकदर में लिख दिया तो फिर उसके लिए ढूंढना फिरना क्या। जब ये रिजिक मकदर में लिख दिया इसके लिए घूमना फिरना क्या, वो कहने लगे घूमना फिरना भी मकदर में लिख दिया। अल्लाह, अगर तेरे नसीबे में लिख दिया गया ना, उसके लिए 3 चीजें शर्त है। मैं भी फितरी कस्बी, 3 चीजें इसमें शर्त है, तब हासिल होता है। फितरी ये कि तेरे नसीबे में लिखा हो, वह भी ये फिर तू वसीला पकड़े, कस्बी ये फिर तू मेहनत करे, तब तुझे वो चीज हासिल होगी। अगर तीनों में भी एक चीज की कमी है तो ये कुछ हासिल होगा, नसीबे में भी हो, वसीला भी पकड़े, मेहनत भी करे, तब ये चीज हासिल होती है। तो मैं बताऊं, दूसरा बताऊं तो मुझे कत्ल कर दे। अब आप सोचते होंगे कि वो कौन सा इलम था जिसके इलम भी हजूर पाक ने सिखाया और उसको लोग कत्ल भी कर सकते हैं, वो कौन सा इलम होगा? सोचते हो ना, हजूर पाक को गलत इलम सिखा भी नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैं बताऊं तो मुझे कत्ल कर दो? उसका आज तुम तजुर्बा कर रहे हो, वो यही इलम था, वो यही इलम था ना। इस इलम में क्या कौन सी बात है तो वाजिबुल कत्ल के फतवे लग रहे हैं। अब मौलवी पाकिस्तान में सब एक हो रहे हैं, और इसको कत्ल करने के लिए नाम रखे, अब उन्होंने फतवे लगा रहे हैं वाजिबुल कत्ल है, अब वो करेंगे नाम रख दो जो उसको कत्ल करने का नाम दिया है। अब इसमें बात कौन सी है कत्ल किया, इससे भी अगला इलम लोगों की ये कुछ कुछ की समझ में आ गया ना, इससे अगला और जो कुछ समझ गया। ये इलम कहता है नमाज ना पढ़ेगा गुनहगार हो जाएगा, यही कहती हूँ ना। अगला इलम कहता है तू नमाज पढ़ेगा तो गुनहगार हो जाएगा, कैसे गुनहगार हो जाएगा,
हज किया तू अल्लाह से बातचीत कर रहा है, अल्लाह से दीदार दीदार में है, बातचीत में है, इधर आजान हो गई, वो छोड़ के तू नमाज पढ़ना तू तो उसी के पास है जिसकी नमाज होती है, तू उसकी बातें वातें दीदार को छोड़ के नमाज में लग गया। ये इस किस्म के इलम है बड़े खतरनाक है। इस वजह से जहां तक लोग पहुंचे होते हैं ना वहां तक ही बात कर जाते हैं। वो जो इलम है ये मार्फत का इलम दीदार वालों को, दीदार तक जब पहुंच गया ना आप, यही इलम है मार्फ दीदार के बाद आपका ये इलम है। सारे वही जो है ना दीदार में गए थे ना, बस हमको सब कुछ मिल गया, अल्लाह के दीदार चाहिए थे, सब कुछ मिल गया, वो उसी में खत्म हो जाते हैं, उसी दीदार में रहते हैं, देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ कुछ ही मतलब दीदार में। वो जो जिस इलम की मैं बात करता हूँ, वो दीदार के बाद वो इलम चलता है ना, ये इलम दीदार तक है ना, दीदार के बाद और इलम हो जाए ना, फिर लायाता इला रब्बे, उस इलम का ये है कि किसी का मोहताज उसकी जबान और रब की जबान एक हो जाती है, दीदार से पहले रब की जबान एक नहीं होती, उसके बाद रब की और उसकी उस वक्त कहता है मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उस वक्त जब शाह शम्स सब्ज़वारी राजा के बच्चे को कहा उठ अल्लाह के हुक्म से मर गया था, वो नहीं उठा, दूसरी दफा कहा उठ अल्लाह के हुक्म से, नहीं उठा, तीसरी दफा आवाज आई मेरा तेरा हुक्म ही अपने हुक्म से क्यों उठाता, उस वक्त उन्होंने कहा उठ मेरे हुक्म से, तो बच्चा उठ खड़ा होगा, इसी बात के ऊपर उनको फतवा लगाया था जिसने अपने हुक्म से उठाया अल्लाह के हुक्म से क्यों उठा, और चमड़ी उनकी उतार दी, जब चमड़ी उतार दी ये वाक्य सुना होगा ना, जिस समय ये पढ़ गए खुशबू हो गई, जो बड़े नजदीक इनके लोग थे ना वो भी इनसे नफरत करने लगे, ये नहीं देखा कि बच्चे को जिंदा कर लिया कितनी करामत में, ये देखा अगर ये वली होते तो इनको पीड़ी क्यों पड़ जाती, इस बात के ऊपर लोगों ने मतलब उलमा के फतवे लगे। फिर जिस होटल में जाते थे वो उनको खाना वाना खिलाया करता था, उसने देखा दूर से आ रहे हैं मक्खियां बैठी हुई हैं, दूर से एक शीशा गोश्त को फेंका कि नजदीक ना आए, फिर एक वो थी दाने भूनने वाली, वो बड़ी इनकी मौत करता थी, बड़ी मोहब्बत थी, फिर उसके पास गए तो भून के देखा, उसने की जा बाबा जा, उसने फिर उनको गुस्सा आया, वो तू भी समझ तो मैं भी समझ, इसको भून के देख, फिर वो क्या हुआ, फिर कहते हैं सूरज नीचे आ गया, सबको पता लगा, सारे दौड़े, इतने लाखों इंसान सारे दौड़े माफिया मांगे, उनका नहीं अब फोन भी वापस जाएगा, अब वो दिन आता है जिस दिन वो आता है ना, उस दिन वो काम में कोई आदमी जरूर आता, जब से वो मैं भी आया ना शाही तेरा शाही मेरा शाही, उसकी पैदाइश की बात मैं है कहीं है हो जाएगा, अल्लाह अकबर, बनकर मस्त मलंग रहेंगे गौहर तेरे संग रहेंगे। वो उनको खाना वाना खिलाया करता था, उसने देखा दूर से आ रहे हैं मक्खियां बैठी हुई हैं, दूर से एक शीशा गोश्त को फेंका कि नजदीक ना आए, फिर एक वो थी दाने भूनने वाली, वो बड़ी इनकी मौत करता थी, बड़ी मोहब्बत थी, फिर उसके पास गए तो भून के देखो, तो उसने की जा बाबा जाते, उसने फिर उनको गुस्सा आया, वो तू भी समझ तो मैं भी समझ, इसको भून के देख, फिर वो क्या हुआ, कहते हैं सूरज नीचे आ गया, सबको पता लगा, सारे दौड़े, इतने लाखों इंसान सारे दौड़े माफिया मांगे, उनका नहीं अब फोन भी वापस जाएगा।